आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स की फोटो देख रहे होंगे। ये थे मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज। थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। इससे क्या रहेगा कि अगर आप लोग भी बिरजू महाराज को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके पास उनके बारे में काफी जानकारी हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि लखनऊ घराने से संबंध रखते थे, ठीक है, और इन्हें कई पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। उन पुरस्कारों पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग इनकी फोटो देख लीजिए, कौन है? बिरजू महाराज। अगर हम लोग बिरजू महाराज के नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम बिजमोहन नाथ मिश्रा था। इनका पूरा नाम क्या था? बिजमोहन नाथ मिश्रा। लेकिन आप लोग इन्हें बिरजू महाराज के नाम से काफी मशहूर थे और लोग जानते थे। इनका एक उपनाम दुखहरण भी था, और उसके बाद आप देखिए दुखहरण था पहले इनका नाम, फिर इन्होंने बिजमोहन नाथ मिश्रा अपना नाम रख लिया था। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। और आप देखेंगे कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, हम लोग आजाद नहीं हुए थे, तब इनका जन्म भारत में हो चुका था। और इनका जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए मैप में, देखिए आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं तो लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो अचन महाराज जगन्नाथ महाराज इनके पिता थे, और माता की बात करें तो अम्बाजी महाराज इनकी माता का नाम। और इनके कर्म क्षेत्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत और नाट्य से जुड़े हुए थे। अगर हम लोग इनके सफर की बात करें और पहली प्रस्तुति की बात करें तो जब ये 16 साल के थे तो उसी समय इन्होंने बिरजू महाराज ने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी, और 28 वर्ष तक की उम्र में कथक में उनकी निपुणता ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिलवाया था। और शास्त्रीय नृत्य में बिरजू महाराज फ्यूजन से भी घबराए, और उन्होंने लुई बैंक के साथ रोमियो और जूलियट की कथा को कथक शैली में प्रस्तुत भी किया। और आप सभी जानते हैं जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलना, प्रशंसा होना, आपकी तारीफ होना बनती है। और इनके अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे बिरजू महाराज ने केवल 23 यानी कि 23 वर्ष की आयु में ही नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा ली, यानी कि, और इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही भारतीय कला केंद्र में सिखाना शुरू कर दिया, और उसके कुछ समय बाद उन्होंने कथक केंद्र में शिक्षण कार्य शुरू किया। यहाँ पर वे संकाय के अध्यक्ष थे और निर्देशक भी थे। इसके बाद 1998 में उन्होंने वहां से सेवानिवृत्ति पाई। इसके बाद कलाश्रम नाम से दिल्ली में एक नाट विश्वविद्यालय भी खोला हुआ था। फिर कई फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। बिरजू महाराज को बॉलीवुड से गहरा नाता भी रहा है। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीतों का नृत्य निर्देशन भी किया हुआ है। बिरजू महाराज ने सत्यजीत राय की जो फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इसमें संगीत की रचना की थी, और उसके दो गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे 2002 में बनी हिंदी फिल्म थी देवदास, आप सभी लोगों ने देखी भी होगी। एक गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे का नृत्य संयोजन भी किया था। और इसके अलावा और भी कई हिंदी फिल्मों में, जैसे आप देखिए डेढ़ इश्किया, उमराव जान, संजय भी लीला भंसाली द्वारा निर्देशित बाजीराव मस्तानी भी, इन्होंने इसमें भी कथक नृत्य का संयोजन किया हुआ था। और फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म थी दिल तो पागल है, और गदर एक प्रेम कथा का नाम में प्रमुखता से इन्होंने इससे भी जुड़े रहे, ठीक है। तो इनका फिल्मों से भी काफी अच्छा नाता रहा। नृत्य शैली की बात करें अगर हम लोग तो अपनी परिशुद्ध ताल और भावपूर्ण अभिनय के लिए बिरजू महाराज ने एक ऐसी शैली विकसित की है जो उनके दोनों चाचा पिता और पिता ने से संबंधित तत्व को सम्मिश्रित करती है। वह पद चालन की सूक्ष्मता और मुख व गर्दन के चालन को अपने पिता और विशिष्ट चालू और चाल के प्रभाव को अपने चाचा से प्राप्त करने का दावा करते हैं। और बिरजू महाराज ने राधा कृष्ण अनुसरुत प्रसंगों के वर्णन के साथ कई अपौराणिक
और सामाजिक विषय पर खुद को अभिव्यक्त करने के लिए नृत्य शैली में नए प्रयोग किए हुए हैं। अगर आप लोग इनके वीडियो सर्च करके देखिए, आप लोगों को वहां दिखाई भी देगा। वह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए नृत्य शैली में नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कथक शैली में नृत्य रचना, जो पहले भारतीय नृत्य शैली में अनजाना तथ्य था, को जोड़कर उसे आधुनिक बना दिया और नृत्य नाटकों को विचलित किया उन्होंने, ठीक है। और इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, आपको बता चुका हूँ। पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, कालिदास सम्मान मिला है उन्हें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि, मानद उपाधि भी मिल चुकी थी। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। सन 2000 में उन्हें प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार भी मिल चुका था, भरत मुनि सम्मान से भी नवाजा जा चुका था उन्हें। 2012 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विश्व रूपम के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका था। 2016 में आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म पुरस्कार फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए मिल चुका है। 2016 में आप देखेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। इन्हें कुछ पुरस्कार मिल चुके थे और आपको जैसा कि बताया है कि 16 जनवरी 2022 को इनकी बिरजू महाराज की डेथ हो चुकी है। हार्ट अटैक आने के बाद बिरजू महाराज को दिल्ली के साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो फिर से एक बार ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। और यही कहानी रही है बिरजू महाराज की।